हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको हुआवे BT390 और वीवो 3G कमीशनिंग के बारे में बताऊंगा आपको। तो चलिए पहले लैपटॉप में IP सेट करते हैं। लैपटॉप में IP सेट करेंगे 17.21.2.118 एंड 25000 ये रख सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर होवेल ओपन मेंटेनेंस टर्मिनल ओपन करते हैं। इसको पासवर्ड है नोड बी, यहाँ पर नोड बी डालिए पासवर्ड। उसके बाद लॉगिन कीजिए। थोड़ा सा टाइम लेता है। देखिए लॉगिन हो गया। और सबसे पहले MML कमांड में जाइए, यहाँ पे कमांड इनपुट डालिए जो आप डालना चाहते हैं। LCTVAR यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। पहले हार्डवेयर वर्जन चेक कर लीजिए और सॉफ्टवेयर वर्जन चेक कर लीजिए। JPG में इसको करके आप सेव कर सकते हैं। यही सॉफ्टवेयर अपडेट में अपग्रेड द नोटिस सॉफ्टवेयर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बैकअप कमीशनिंग फाइल हटा दी, पे सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। स्क्रिप्ट फाइल को सिलेक्ट कीजिए, जब का स्क्रिप्ट फाइल है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लीजिए, नोडवी का जो सॉफ्टवेयर है उसको। ये टाइम लेगा डाउनलोडिंग। देखिए यहाँ पे आपका बता रहा है डाउनलोडिंग द डाटा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये 10 मिनट से 20 मिनट का टाइम लेता है। इसमें मैंने वीडियो को छोटा किया है ताकि टाइम 10 से 20 मिनट का टाइम लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 41 सेकेंड। देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये डिटेल अभी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। उसको क्लोज कीजिए, ऑडियो शूट क्लोज, या आप होम भी कर सकते हैं। फिर जाके यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद ये जो है रिस्टार्ट लेगा आपको, जब तक वेट करना पड़ेगा। फिर रिस्टार्ट होने के बाद लॉगिन चला जाएगा आपको, फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। नोट भी पासवर्ड डाल के फिर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन हो जाने के बाद फिर से कमांड इनपुट में जाइए और वर्जन चेक कीजिए, सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है। आपने जो डाला वही है, सही है।
ठीक है, जो करंट वर्जन में आपका दिखा रहा है, और उसके बाद स्क्रिप्ट फाइल को भी कंफर्म कर लीजिए। जो आपने डाला है वो सही है। पिंग एक बार देख लीजिए, पिंग होता है कि नहीं, क्योंकि तभी आपकी साइट इंटीग्रेट हो पाएगी। आईपी एड्रेस को आप यहाँ पे डालिए। इससे इंटरनेट का नल नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आइए, कमांड इनपुट में पिंग डालिए और नीचे में वो आईपी डालिए, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, स्लॉट नंबर जो है उसमें डालिए। पिंग कराइए, सिस पिंग इज हैपनिंग, सो एवरीथिंग इज ओके।